फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं दिल्ली, भारत की राजधानी। और वेदर फोरकास्टिंग में जैसा बताया गया था और दोस्तों ने भी बताया था कि पिछले दो दिन से दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो थोड़ा मुझे भी फ्लाइट से आ रहे थे तो थोड़ा डर सा लग रहा था कि मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत कम एक्सपीरियंस है और ऊपर से मैं थोड़ा डरपोक भी हूँ। तो बहरहाल तो सुबह सुबह हम दिल्ली की सरजमी पे तशरीफ़ ला चुके हैं। और जो मेरी फ़्लाइट थी वो यूएई में अबू धाबी से थी, और लेकिन बड़ा मतलब जिसको कहते हैं क्या कह सकते हैं संस्कार बड़े, और उसको एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि मतलब नाम बहुत बड़ा, फेम बहुत बड़ा, लेकिन जब देखिए तो समझ में आएगा कि भैया ये था क्या। तो जैसा जो एयरपोर्ट की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, अबू धाबी शहर में घूमा, आसपास के सारे इलाके को मैंने देखा, और फिर उसके बाद जब मेरी फ़्लाइट का टाइम हुआ तो मैं 3-4 घंटा पहले अबू धाबी एयरपोर्ट पहुँचा। तो अबू धाबी एयरपोर्ट में हमारी जो फ़्लाइट थी वो टर्मिनल 2 से थी, दूसरे नंबर के टर्मिनल से। तो हम वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो मुझे लगा कि होगा जैसे हम लोग दिल्ली में या दुबई में जो एयरपोर्ट देखते हैं उसके तरह, लेकिन भैया ये डिट्टो पटना का एयरपोर्ट था, उसका कॉपी था। और वहाँ पे मतलब काफ़ी भीड़ हो गई थी, तो बैठने के लिए कुर्सी पे जगह भी नहीं मिल रहा था, चूँकि जब से कोविड प्रोटोकॉल आ गया है तो एक का आप सीट खाली करके आप दूसरे पे बैठते हैं, तो काफ़ी वहाँ पे मुश्किल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये था, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ वहाँ पे इश्यूज़ थे। तो बहरहाल सबसे पहले हम पहुँचते हैं एयरपोर्ट, हमारे चाहने वाले हमें सी ऑफ करने के लिए हमारे साथ आए हुए थे, और इसके बाद मैं अंदर आ जाता हूँ। अंदर काफ़ी लंबी मतलब बहुत ही लंबी लाइन लगी रहती है, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा मुझे उस लाइन को पार करने में लगता है। इसके बाद जो बोर्डिंग का प्रोसेस है मतलब टिकट और सीट जो चीज़ होती है वो हुआ, हमारे सामान को ले लिया गया, फिर मैं अंदर गया इमिग्रेशन के लिए, तो उसमें भी काफ़ी लाइन लगा, उसके बाद इमिग्रेशन हुआ, उसके बाद फिर हमारे पास अब 2 घंटा है कि हमको अब वेट करना है फ़्लाइट के लिए। तो हम फ़्लाइट के लिए वेट करते रहे, और उसी दौरान मैंने नोटिस किया कि एयरपोर्ट में कुछ है ही नहीं, एक बड़ा सा हॉल है बस उसी के अंदर आप हैं, और बाकी फिर निकलते हैं वहाँ से 2 घंटे बाद जब फ़्लाइट का टाइम होता है, तो वहाँ की जो बस सेवा है वो हमें रिसीव करने के लिए आती है, उस बस के ज़रिए हम लोग एरोप्लेन तक पहुँचते हैं, और फिर वहाँ पे भी स्टेप वाइज हम लोग एरोप्लेन के अंदर जाते हैं, अंदर जाके बैठते हैं, अपने सामान को रखते हैं, और उसके बाद जो एक जो प्रोसेस होता है वो सारा प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद मतलब एरोप्लेन अपने रास्ते पे चल देती है यानी दिल्ली की जानिब, और उसी दौरान जो एयर होस्टेस हैं वो आज़ादी के अमृत महोत्सव से रिलेटेड एक बात बताती हैं कि किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की बुनियाद डाली थी, इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर बताया जाता है। और इसके बाद हमारी फ़्लाइट नॉर्मल जैसे चलती है। इसी बीच में थोड़ा सा मौसम गड़बड़ हुआ था तो कहा गया कि संभल के रहें, आराम से रहें, टेंशन ना लें। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में क्या हुआ, जाम लग गया मतलब एयरपोर्ट के ऊपर जाम, तो काफ़ी देर तक हमारी फ़्लाइट मतलब रनवे पे ही खड़ी रही, और फिर 10-15 मिनट के बाद हम पहुंचते हैं, फिर गेट खुलता है, फिर हम लोग बाहर निकलते हैं, तो जो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो होता है। उसके बाद बाहर निकल के काली पीली टैक्सी लेते हैं और इसके साथ हम वापस अपने रास्ते पे चल देते हैं जैसे अभी हम चल रहे हैं। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी हमारी जो मुझे लगा कि आपके सामने पेश करें, और 3 महीना कैसे यूएई में गुजरा पता नहीं चला। वापस फिर एक नए मिशन पे हम लोग हिंदुस्तान में हैं, और यहाँ पे हम लोग जो लगातार कई साल से जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो दीजिए हमें इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी अलग व्लॉग में, अलग वीडियोस में जैसा। तो आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।